हेलो गाइस, नमस्ते। और क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं जिम सिमुलेटर। तो इसमें बेसिकली मुझे एक जिम खरीदना है और उसमें जिम टूल्स लगा के, मतलब जो जिम के टूल्स होते हैं, डंबल वम्बल वगैरह, उसको लगा के हमें जिम चालू करना है और इसी से हमें अमीर बनना है। तो चलते हैं गेम के तरफ। ये हम गेम में आ गए हैं, गेम को स्टार्ट करते हैं। और हमें किसी शहर में स्पॉन मिला है। मेरे पास 6000 कॉइन्स है। ओके, तो सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है, इसमें 3000 कॉइन से मैं खरीद सकता हूँ, तो खरीद लेते हैं। ओके, ये क्या बता रहा है? ओके, तो इसे मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेंट करना पड़ेगा मेरा जिम स्टार्ट करने के लिए। भाई बिल्डिंग तो देखो, पूरा टूटा फूटा है और ऊपर वो शायद सन है। भाई इसमें कितने सारे कूड़े है। ओ भाई भाई, शायद पहले ये कूड़ेदान था। देखो ये डस्टबिन वस्बिन सब फैला हुआ है। यहाँ पे बॉटल टेबल, भाई क्या ही तोड़ फोड़ करा होगा इन बंदों ने जो पहले यहाँ रहते थे। ओके भाई, लिटरल यहाँ पे ट्रैश बैग्स पड़े हुए हैं, इन्होंने फेंका भी नहीं। भाई इनको कोई स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताओ। ओके, ये सारा चुपचाप पूरा साफ कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने खरीदा है तो हमको ही साफ करना पड़ेगा, और कोई आकर साफ थोड़ी ना करेगा। तो हमने पूरा साफ कर लिया है, अभी कह रहा है क्लीन विंडो। ओके, तो हमें शायद ये विंडो साफ करना पड़ेगा। तो ओ भाई, क्लियर विंडो है यार, तो इसको जल्दी से साफ कर देते हैं फटाफट। ये साफ हो गया, नाइस। अभी बता रहा है गो टू कंप्यूटर। ओके, तो गाइस पता नहीं कैसे मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, तो मैंने कंप्यूटर से यहाँ पे कुछ टूल्स खरीद लिए हैं, मतलब जिम के जो टूल्स होते हैं वो खरीद लिया है और जिम भी स्टार्ट हो गया है। तो आई एम सॉरी, वो मैं दिखा नहीं पाया। अभी फिर से चलते हैं कंप्यूटर में, मुझे शायद पेंटिंग करना पड़ेगा। ओ भाई, यहाँ पे कूड़ा फेंक के चला गया जो बंदे आए थे, तो ये कूड़ा भी साफ कर लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्या है, ये सफेद सफेद, भाई क्या क्या फेंक के चले जाते हैं। तो ये देखो एक बंदा आया है, वहाँ पे एक ट्रेडमिल है, ये बंदा भी ट्रेडमिल पे कसरत कर रहा है। ओके, एंड भाई कितना करेगा, पतला हो जाएगा भाई। ओए उतर जा, तो कोई बात नहीं, और दिखा देता है। यहाँ पे डंबल, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग और योगा मैट भी है। ये बंदा शायद योगा करने आया है, इसको भी दिखा देता है, ये देखो। ओके, तो ये भाई अंदर घुसते ही इसने कूड़े का पैकेट फेंक दिया। यहाँ पे पसीना भाई, ये पसीना। तो अभी तो जिम खाली खाली है, बाहर से जिम देखते हैं, अभी भी पुराना ही लग रहा है। ये देखो कूड़ा, मेरे को काम मत करने दो, मैं यह कूड़ा ही साफ करता रहूँ। ओके, तो शॉप में जाते हैं, यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा वाला पेंट करे। ये पर्पल जो है ना, यही कर देते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, यस बहुत अच्छा लग रहा है भाई। पहले यह कूड़ा साफ करूँ, पेंट कर दिया है। अब टाइल्स भी लगाना है, टाइल्स कौन सा वाला लगाए, ये लास्ट वाला अभी का नहीं लग रहा, लगा के ही देखते हैं। हाँ यार ये पुराना वाला ही था, ये देखो सेम टू सेम है। जी भाई, इतने क्या 90 पैसे शायद थे, 90 कॉइन्स कट गए। यहाँ पे डोर्स खुलते हैं? नहीं नहीं खुलते, सिर्फ शो ऑफ के लिए लगा रखा है, कोई बात नहीं। ओके, तो पैसे तो बहुत है मेरे पास अभी। अरे देखो यहाँ पे पैरों के निशान, भाई ये कौन सा की कैसे आ, अबे भाई जिम में कोई खाने की जगह है क्या, यहाँ पे खाने के पैकेट फेंक रहे हो? देखो तो बाहर से हमारा जिम ऐसा लगता है। ये देखो फिर से पैरों के निशान। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ओके, तो हम कुछ खरीद लेते हैं, बहुत पैसे है। कौन सा खरीदे, साइकिलिंग मशीन खरीद लेते हैं। तो हमारे पास आ गया है एक साइकिलिंग मशीन, बहुत बढ़िया। ये देखो फिर से पूरा यहाँ पे, ये भी साफ कर देते हैं। अभी तो जिम में कोई नहीं है, तो मेरे पास पैसे बच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक स्टिकर खरीद लेते हैं, इससे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। कौन सा वाला खरीदा जाए, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, $65 का जो है, मतलब डॉलर्स तो नहीं कॉइन्स है। अरे उल्टा क्यों लिखा है भैया, किसको पढ़ने में आएगा। नथिंग इज ओवर अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। भाई मेरे को इतना उल्टा पढ़ने में इतना टाइम लग गया, भाई लोग मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट हो जाएंगे। बाहर से कोई पढ़ सकता है क्या? नहीं,
क्या यार नशेड़ी है भाई लोग। वो देखो सामने एक ऊंचा बिल्डिंग है, वहां पे शायद बैनर लगता है। हमारे जिम का भी एक दिन बैनर लगेगा, वहां पे ऐड देंगे हम लोग। यहाँ पे प्रोटीन स्टोर है। ओ भाई नाइस, हम कुछ प्रोटीन खरीद सकते हैं क्या बंदों को देने के लिए? नहीं यार, आइटम्स तो बहुत सारे हैं मगर कुछ नहीं ले सकते। ये भी नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर से ले सकते हैं क्या? देखते हैं। नहीं नहीं होगा। तो शहर तो बहुत बड़ा है, बढ़िया भी है, लोग भी बहुत ज़्यादा है। और ये शहर का शायद बीचों बीच ही है हमारा जिम। इस साइड देख लेता है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे शायद ये पुलिस बूथ है, एंड यहाँ पे एक बस स्टॉप। ओके, तो शहर बस इतना ही था। मतलब उस साइड भी है, उस साइड हम अभी जाएंगे नहीं। जिम में बहुत सारे लोग आए हैं, साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। हम तो जिम के मालिक है नहीं, हम तो है सफाई वाले। अपने ही जिम में यह सब करना पड़ रहा है। वैसे कोई शर्म की बात तो है नहीं, अपना ही है सब कुछ, अपने को करना पड़ेगा। पैसे भी तो मिल रहा है इसके। थोड़ी देर AFK कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 690 कॉइन्स है, तो बहुत सारा कूड़ा भी हो गया है, इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पैकेट्स वैकेट्स क्या क्या फेंक रखा है, ये भी साफ कर लिया। भाई मुझे बहुत जल्दी एक सफाई वाला भी रखना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये साइकिलिंग मशीन पे खड़े होकर साइकिलिंग कर रहा है। भाई कोई सेंस बनता है इसका? बहुत ही ज़्यादा, ये प्रो ट्रेनर है शायद, क्या ही करे। अब मेरे पास $850 हो गए, तो सोच रहा हूँ कुछ खरीद लेते हैं। कौन सा चीज़ खरीदा जाए? मैं क्या सोच रहा था, एक स्टेयर क्लाइंबिंग खरीद लेते हैं। ये कैसा चीज़ है भाई? इसमें शायद सीढ़ियाँ चढ़ने वाला एक्सरसाइज करना पॉसिबल होगा। हाँ ये देखो, ओरे भाई भाई तुमने तो बॉडी शॉडी बना रखी है। भाई इसमें हम चढ़ सकते हैं? नहीं हम नहीं चढ़ सकते यार। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अलग सा टाइल्स लगाने की सोच रहा हूँ। ये थर्ड वाला मतलब बीच वाला लगा के देखते हैं। हाँ ये बढ़िया लग रहा है यार, थोड़ा प्रीमियम लुक भी दे रहा है। नाइस, और हमारा पोस्टर भी यहाँ पे। अरे अरे मुझे कुछ दिख गया, मुझे कुछ दिख गया भाई। नए टाइल्स में यहाँ पे गंदगी फैला के जाओ तुम लोग, है ना? मेरी साफ सफाई का कोई इज्जत ही नहीं है। तो 180 कॉइन्स है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉइन्स जमने देते हैं, फिर मैट खरीद लेंगे। 195 हो गए, अब खरीद लेते हैं। यहाँ पे और दो बंदे आ रहे हैं, शायद ये लोग डंबल यूज़ करेंगे। और एक ये बंदा क्या यूज़ करेगा? ओ भाई ये योगा मैट पे जा रहा है शायद। हाँ भाई ये नया खरीदा था, इस पे आके लेट गया। तो हमने एक और बार AFK कर लिया है, और हमारे पास अभी 1110 कॉइन्स है। तो अभी कुछ और मशीन्स खरीद लेते हैं। क्या खरीदा जाए? डंबल का एक सेट और एक वेट का सेट खरीद लेते हैं। और कुछ अभी लेना है? नहीं अभी और कुछ लेना, क्योंकि लोग डंबल और ये वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं ना, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि एक एक में लोगों को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अगर एक बंदा करेगा तो दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। अब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग भी आएंगे और ज़्यादा इनकम भी होगा। ओके, तो फिर से मैंने थोड़ा देर AFK कर दिया था। अब मेरे पास 1155 रुपये हो गए हैं। तो अभी मैं सोच रहा क्रॉस मशीन ले लेते हैं। ये देखो ये है क्रॉस मशीन, और ये देखो अभी कुछ खरीद लेते हैं। एक और वेट सेट खरीद लेते हैं, एंड डंबल तो नहीं होगा तो एक योगा मैट खरीद लेते हैं। अभी हमारा जिम बहुत भरा भरा लग रहा है, और हमारे पास मैंने एक और वेट लिफ्टिंग का सेट भी लगा दिया था, और एक डंबल का सेट भी लगा दिया था। ये देखो बहुत ही भरा भरा है। तो इस गेम में अभी के लिए कुछ करने जैसा है नहीं। अगर कोई नया अपडेट आते हैं तो मैं गेम प्ले करूंगा, और अभी के लिए चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी ये वाली वीडियो जरा देख के आना, तुम्हें मजा आएगा। बाय बाय।